हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो निर्जला एकादशी पर है। सो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी, निर्जला एकादशी कितनी तारीख को है, क्या है, कैसे हमें करनी है। सो वही मैं आपको जानकारी जो है वो देने जा रही हूँ। तो हिंदू धर्म के व्रतों में एकादशी व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और निर्जला एकादशी नहीं, समस्त एकादशियां जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती हैं। ये साल में कुल 24 एकादशी जो है होती हैं, और सबके अपने अपने जो है वो महत्व हैं। दो एकादशी प्रत्येक माह में पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। तो ये तो थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं तो वो मुझे इसी बीच में क्लियर करने होते हैं। तो इसमें जो है हम भगवान श्री हरि विष्णु का जो है वो व्रत करते हैं। एकादशी में हम भगवान श्री हरि विष्णु, श्री शालिग्राम जी, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और ठाकुर जी की सेवा तो हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन एकादशी में जो है वो विशेष सेवा करते हैं। सो निर्जला एकादशी का व्रत की विधि क्या है, तिथि क्या है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। सो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी तिथि 10 जून 2022 को प्रातः 7:25 पर आरंभ होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 11 जून 2022 को शाम 5:45 पर हो जाएगा, और 12 जून की सुबह जो है हम अपने व्रत का जो है वो पारण कर लेंगे। ठीक है, सो सुबह 8 बजे के पहले पहले आपको पारण जो है वो कर लेना है। निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नियम पूर्वक व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य जो है वो आपको प्राप्ति होती है। भक्तों को विष्णु भगवान की पूजा में इन पूजा सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, मेवा, पंचामृत, पीला चंदन, पीला जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान। तो पूजन सामग्री मैंने बहुत बार आपको बताई है, सो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और इस एकादशी को बहुत सारे नियमों से जो है वो किया जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे भीम एकादशी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। सो विशेषकर इस एकादशी में क्या है, ये साल की एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जिसका व्रत अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको और अन्य एकादशी का व्रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये जला रही जाती है, इसमें जल का जो है वो हम लोग त्याग करके अपने व्रत का जो है वो संकल्प लेकर व्रत को शुरू करते हैं। सो सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि कर मंदिर में आ जाएं। जैसे कि मैंने बताया कि एकादशी के समस्त नियमों का पालन हम दशमी तिथि की शाम से ही करते हैं। सो इस बात को ध्यान रखें, एकादशी की सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप मंदिर में आ जाएं, एक आसन लगा लें, चौकी लगा लें, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी की जो है वो स्थापना कर लें, कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश स्थापना की विधि चैनल पर अपलोड है, सो आप उससे चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद भगवान गणेश का जो है वो आवाहन करें, विधि विधान से जो है उनका संपूर्ण स्नान कराएं, उनको भोग प्रसाद, धूप दीपक इत्यादि जो है वो समर्पित करें, और उसके बाद जो है वो आप श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। चूँकि भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण है, अब भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अपने कलश का पूजन करिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल रख सकते हैं, और फिर अपने व्रत का संकल्प करते हुए आप अपने व्रत को जो है वो शुरू करें। जैसे कि कुछ लोग इसमें पानी नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शारीरिक क्षमता जो है वो नहीं उतनी होती है तो कुछ लोग पीते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, श्रद्धा हमेशा जो है वो मन से होती है, और पूजा पाठ व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार होती है। सो जो आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप पूजा पाठ करिए। अगर आप पानी, देखिए थोड़ी देर के लिए हमें प्यास लगती है, फिर आदत में आ जाता है, नहीं लगती है, तो अगर आप करना चाहते हैं आप निर्जला कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी जो है वो चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं जिनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम इस समय चल रही है, सो वो प्रेगनेंसी में है, तो देखिए जब हम प्रेगनेंसी में रहते हैं तो ना तो हमें किसी प्रकार की पूजा करनी चाहिए, ना ही व्रत करना चाहिए। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी पानी, दवा जो है वो ज़रूर लेते रहें, क्योंकि आप नहीं, आपके अंदर एक नया जीवन पल रहा है, सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो पूजा में श्री विष्णु जी को
समस्त चीज़ें पीले रंग की लगाएं, जल का त्याग करें, अपने व्रत को जो है वो पूर्ण करें। दिन में आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, रात में विष्णु जी की आरती, भजन कीर्तन करके अपना जो है वो समय व्यतीत करें। अगले दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके समस्त सामग्री को अपनी जगह पहुँचा कर, विसर्जन की अपनी जगह, दान की अपनी जगह, जो घर में रखनी है वो अपनी जगह, प्रसाद का वितरण करके गौ माता के लिए, परिवारजन के लिए, अपने लिए रखकर जो है तुलसी का पत्ता और जल से गायत्री मंत्र, इलायची दाना लेके जल से अपने व्रत का पारण करें गायत्री मंत्र को बोलते हुए। साथ में दान तो देखिए हर एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी क्षमता हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, से जो भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार दान ज़रूर करें। दान बहुत महत्वपूर्ण होता है और कलयुग में दान के सहारे ही व्यक्ति का उद्धार है। तो दान जो है आपकी जो क्षमता है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, उसका दान एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दान किसको दे रहे हैं। जिसके पास भरपूर है उसे आप 10 रुपये दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है और उसको आप वक्त पर अगर 1 रुपया दे देते हैं, सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दैन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।